अरे कहाँ चली गई? अरे मैंने भूख लग रही है, मैनू किमी खान न दे दे। अरे क्या कर रही है? अरे यू तू सुबह ते पानी में पड़ी, अरे बावली बीमार हो जावेगी, बाहर आ जाब। अरे ये क्या, तुम आ गए? अरे ये सब क्या है री? अबे तू इतना सारा पिज्जा लेके आई, अकेले अकेले खा रही, अबे मोटी हो जाएगी, फिर तेरे को कोई भाव भी ना देगा। अरे मुझे खाने दो, तुम फालतू नजर लगाते रहते हो। अरे बिरा तू बावली होगी, इतना खावेगी तो फट जावेगी, वह टंकी है तेरा, गोदाम है पेट। अरे जाओ, तुम बकवास करते रहते हो पूरे दिन, खाने भी नहीं देते आराम से, गंदे आदमी। बिरा मेरी चाय बना दे, मैंने प्यास लग रही है। अरे पानी पियो ना जाकर, चाय कौन मांगता है, प्यास लगती है। मुझे तेरा तो बात ही नहीं करनी चाहिए थी, मैं जा रहा हूँ। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, जल्दी निकलो यहाँ से। अरे तूने मैं छोड़ूंगा नहीं, तने बताऊंगा मैं, तेरी ऐसी तैसी, इतना पिज्जा मंगा के खा रही, इसका बिल तेरा बाप भरेगा। अरे जाओ ना, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से भर दिया मैंने। अरे मैं चलता हूँ यहाँ से, एक नंबर की बावड़ी है सही में यार। मैं आ गया, जिंगा लाला जिंगा लाला। अरे अब आप कौन हो? मैं हूँ किडनैपर, मैं तुझे किडनैप करने आया हूँ, मैं हूँ जोकर्स की बिड़ी, चल तुझे यहाँ से लेके चलूं, आजा मेरे साथ, बचा मेरे को। इसकी मम्मी तो मैंने बतानी होगी, ये इतना पिज्जा खावे। अरे मैं तो भूल गया, मैं अपना क्रेडिट कार्ड लिया हूँ उसते जाके, कदे मेरे सारे पीछे उड़ा दे, मेरे कड़े पहली पीछे कमरा है आजकल, जो नौकरी ना देंदा कोई मेरे ते। और देखो यो मारी वाह है नौकरानी, कितनी होट है ना। अरे ओए सुन, अरे क्रेडिट कार्ड, अरे यू का चल रो। अरे मैंने बेरा होना चाहिए, तू मैनू क्यों बगा रही, तेरा तो और कोई है, तू मैनू प्यार ही नहीं करती। इसने मुझे पकड़ रखा है, ये एक किडनैपर है, मुझे बचाओ इससे, ये मुझे लेके जाएगा। गुड़ी बाबा, मैं इसे लेके जा रहा हूँ और इसे स्केबडी यूनिवर्स में ले जाके पकड़ लूंगा। अरे तेरी ऐसी तैसी, मेरी बीवी ना छोड़ दे, ओए जोकर से शिकल के। उड़ी बाबा, चलो मैं चलता हूँ यहाँ से, चलो चलो मेरे साथ टीवी गर्ल, तुम्हें इसके बड़ी यूनिवर्स में लेके चलता हूँ, चलो बचाओ। अरे मेरी बहू ने लेके कहाँ चला गया वो बंदर सा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वो उस तरफ गया। ओए अरे ये क्या, मैं तो फिर पानी में गिर गया। ओ मेरी बहू ने वापस कर दे मेरे तय। ओए अरे ये क्या हो गया, अरे भाई साहब ये पोर्टल बंद हो गया। अरे मेरी बहू ने लेके गायब हो गया वो जोकर, मेरी एक ही बहू थी। अरे बिरा, अरे कितकी, अरे मेरी बहू गायब होगी, अरे ये पिज्जे भी रह गए, अब पिज्जा कौन खावेगा अब। अरे मेरी बहू ने बचाओ, अरे एक जोकर मेरी बहू उठा ले गया। अरे अरे बचाओ कोई तो, हेल्प करो मेरी। अरे यार तुमने पूरा पूल गंदा कर दिया है, तुम्हें पता नहीं क्या कहाँ पर कचरा डालना होता है, और ये क्या है यहाँ पर, अभी कपड़े क्यों है पानी के अंदर, अब तुम लोग पागल हो गए, कपड़े कौन रखता है पानी के अंदर यार, तुम लोग सभी मेंटल हो गए हो भाई। अरे सुमित भैया अब तुम पागल वाली बात खुद कर रहे हो, तुमने कहा था मुझे एक कोल्ड सूट चाहिए, कोल्ड सूट, हमारे पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए हमने तुम्हारा पानी में डाल दिया सूट, जिससे वो कोल्ड हो जाएगा। आओ मुझे जाने दो, मुझे टट्टी आ रही बहुत तेज, प्लीज मुझे जाने दो। अरे चुप, यहीं पर खड़ा रहे ना, बात सुन। अरे चुप, गायब हो गया समित भैया, चुप गायब हो गया, वो कहाँ गया वो? अरे समित भैया पता नहीं, शायद एलियन उठा ले गए होंगे उसको टट्टी चेक करने। अबे सिंचन कैसी बकवास कर रहा है, कहाँ गया वो? समित भैया मुझे थोड़ी बता के गया है, तुम्हारे आगे गायब हुआ है। गाइस यार पता नहीं क्या चलता रहता, चुप को कौन उठा ले गया अब। अरे समित भैया अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब साफ कर रहा हूँ ना इसको, बाहर निकालता हूँ सारी चीजें। और अब मेरा वीडियो, और अब मेरा वीडियो सुमित, ओ मेरी मदद कर, ओ मेरी बहू ने एक जोकर उठा ले गया, ओए सुमित मेरी मदद कर। ओए टीवी मैन तुम आ गए, अरे मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, चलो तुम्हारे टीवी के अंदर जल्दी से कार्टून चलाओ, एकदम मस्त वाली कार्टून चलाना। हाँ एक्शन कामिन का नया सीजन भी आ रहा है, उसे भी चला दो जल्दी से। और अब मेरी बहू गायब हो गई। अरे क्या, किसकी बहू गायब हो गई? तू छोड़ना, तू जल्दी से कार्टून चला यार, मस्त कार्टून चला एकदम मक्खन मार के। ओए मेरी बात तो सुनो, अरे तू कार्टून चलाना जल्दी से। अबे सिंचन उसको कोई प्रॉब्लम है और तू यहाँ पर उससे कार्टून चलवा रहा है, मेरे को बता टीवी मैन, ये तो एकदम मेंटल क्या हो गया? ओए वो मेरी बहू ने एक जोकर उठा ले गया स्किबिडी टॉयलेट। क्या स्किबिडी टॉयलेट? तेरी बहू को उठा ले गया, तो बचा ले उसे जाके। ओए प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम असल में ये है, वो हमारे यूनिवर्स में लेकर चला गया मेरी बहू ने। क्या तेरे यूनिवर्स में? अरे वही
बात जाते हम आए लो संतोष के अंदर, पर यार हम लोग वहाँ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? अरे कार्टून चलाओ ना, तेरी ऐसे से चुप रहना, कार्टून चलाओ ना। अरे यार एक काम कर तू, जल्दी स्पीकर मैन और टीवी मैन को फोन मिला दे। अरे टीवी मैन तो तू ही है ना, अरे मतलब कैमरा मैन को। अरे कैमरा मैन स्पीकर मैन जल्दी आओ, यहाँ पर बहुत जरूरी काम है तुम लोगों से, कुछ हेल्प चाहिए तुम लोगों की। ओए तेरी ऐसे सी, अबे तुम लोग यहीं खड़ी थे झाड़ियों में बात सुन रहे थे हमारी? अरे हाँ हम यही थे। फिर आ ही नहीं जाते क्या? फोन मिलाना जरूरी था तुम लोगों के पास मुझे? अरे क्या ही बताया अब हम। ओके सुनो मेरी बात, हमें तुम्हारी यूनिवर्स के अंदर जाना होगा, क्योंकि टीवी मैन की गर्लफ्रेंड मतलब टीवी गर्ल को किसी ने उठा लिया है, हमें उसे वापस लाना होगा। अरे फिर मेरी क्या जरूरत, तुम तीनों ही चले जाओ ना। अरे सुमित हमें असल में एक किंग की जरूरत है। किंग? अरे मतलब एक ऐसे बंदे की जो हमारी मदद कर सके उस दुनिया के अंदर, क्योंकि यार हमारे बीच में लड़ाई बहुत होती है, हमें एक ऐसा मुखिया चाहिए जो हमारी हेल्प कर सके। अच्छा ऐसा है क्या? ओए सुमित तो प्लीज मेरी बहू ने वापस लिया यार। अब चलो ठीक है तुम जल्दी से पोर्टल ओपन करो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। अरे सुमित भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, जादू टोना सा, पता नहीं सिंचन ये कुछ कर तो रहे हैं, इनको करने दे, क्या कर रहे हैं ये लोग। अरे सुमित भाई ये क्या, जाओ सुमित अब तुझे इसके अंदर जाना है, बाकी तुम लोगों तो फोन पे बात कर लियो, हम तुझे सब समझा देंगे। ठीक है बात कर लूंगा तुम लोगों से मैं। चलो सुमित अंदर जाओ तुम जल्दी सी। ओके तो चलो गाइस यार हम लोग चलते हैं जल्दी सी किसके यूनिवर्स में, इसके बड़े यूनिवर्स में। वू! ये कहां पर आ गया मैं? अरे सुमित भैया तुम आ गए। अबे ये कहां पर आ गया मैं, और ये क्या मेरे हाथ में तो सिर्फ एक पिस्टल है छोटी सी। अबे इस पिस्टल से कैसे बचाऊंगा मैं टीवी गर्ल को? सुमित तुम्हें इसी ठाना होगा सभी को। सभी को नहीं टीवी गर्ल को। हाँ मतलब मेरी टीवी गर्ल को। गाइस यार ये पिस्टल से तो कुछ भी नहीं होने वाला, और यहाँ से मैं पीछे नहीं जा सकता, शायद यहीं तक ये दुनिया है यार, काफी छोटी दुनिया में रहते हैं। और भाई सब उस सामने देख रहे हो यार, वहाँ पर जाना है मुझे, वहाँ आगे कहीं पर मुझे टीवी गर्ल मिलने वाली है। तो गाइस यार यहाँ से मुझे जाना है, और सबसे पहले मुझे मिलने वाली खतरनाक वाली पुलिस सिक्योरिटी टॉयलेट, इनको हराने के बाद ये बड़े वाले सिक्योरिटी टॉयलेट जिनके पास ये खतरनाक वाली तोप है यार। फिर यार यहाँ से टनल के नीचे जाने के बाद मुझे लड़ना है इन खतरनाक वाले फ्लैश सिक्योरिटी टॉयलेट से, और भाई उसके बाद ये वाले फौजी सिक्योरिटी टॉयलेट, और ये भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं, और उसके बाद भाई ये स्पाइडर सिक्योरिटी टॉयलेट। ओह माय गॉड। अरे समित भैया इसका तो नाम भी नहीं पता भाई, ये बार पहली बार देख रहा हूँ यार, ये कोई नई प्रजाति के हैं शायद। समित भैया आगे देखो एक बार। ओए ये क्या है गुंडे से? समित भैया पता नहीं ये क्या चीज है, पर ये भी बहुत खतरनाक लग रहे हैं। और गाइस यार लास्ट में मुझे फाइट करनी है इनसे, पता नहीं है क्या चीज है पर बहुत अजीब है सही में। अरे समित भैया वहां देखो आगे कुछ है। हाँ रुको। और गाइस यार लास्ट में देखो, अरे ये वही चीज है जिसने मेरी टीवी गर्ल को उठाया था। अच्छा यार ये है किडनैपर जिसने टीवी गर्ल को किडनैप किया था। और भाई लास्ट में ये डब्बा, शायद यार इसी डब्बे के अंदर होने वाली हमारी टीवी गर्ल, और देखो इसको कैसे बंद कर रखा भाई रस्सियों से, रस्सी नहीं पता क्या है। और ये देखो यहाँ पर भाई बलून्स लटका रखे दिल वाले। ओ गाइस यार मुझे टीवी गर्ल को बचा के लेके ही जाना पड़ेगा। कैमरामैन टीवी मैन स्पीकर मैन मुझे ये तो समझ में आ गया कि ठीक है इतने सारे सिक्योरिटी टॉयलेट्स पर इनसे लड़ाई कैसे करूंगा, इस पिस्टल से लड़ाई करूंगा कि लोगों के साथ, मरना है क्या मेरे को? अरे नहीं सुमित कैसी बात कर रहे हो, ये दुनिया सिक्योरिटी टॉयलेट्स और हमारी भी है, तुम हमारी मदद लोगे इसके अंदर, मतलब तुम जोन सा टीवी मैन स्पीकर मैन या फिर कैमरा मैन बुलाओगे वो तुम्हारी मदद करने के लिए आएगा। अच्छा ऐसा है क्या? तो गाइस यार सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मैं का टीवी मैन को। अरे यार इतनी जल्दी तुम इतने बड़े को नहीं बुला सकते, छोटे से शुरुआत करो छोटे से। ओके तो मेरे को एक छोटा टीवी मैन दे दो, या सॉरी कैमरा मैन दे दो, नहीं स्पीकर मैन दे दो। अरे एक बोलो ना, एक छोटा स्पीकर मैन दे दो मेरे को। एक छोटा स्पीकर मैन हाजिर हो। अबे छोटा तो कहीं से भी नहीं है। बोलिए सरताज क्या करना है मेरे को? चल मेरे भाई इनको मार, ये सामने खड़े हैं ये किंडा कीटाणु से, इनको मारना है तेरे को। और ये छोटा तो कहीं से भी नहीं भाई, ये पावरफुल लग रहा है मेरे को काफी, और भाई इनके साथ इसकी लड़ाई होगी देखते यार, लेट्स गो फाइट। तो गाइस यार यहां पे बूम, ओ माय गॉड ये तो सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है यार, एक ही बार में सारे के सारे देख रहे हो। यहां पर भाई सिक्योरिटी टॉयलेट्स की बैंड बजा दी इसने। सुमित अब इसे जाना होगा, क्योंकि एक बार में एक ही आदमी सिर्फ सिक्योरिटी टॉयलेट्स को मार सकता है, अब इसे का जाने का समय है। ओके भाई जा। ओके तो गाइस यार हमने अपना पहला टास्क कंप्लीट कर दिया, जो था यार वो पुलिस सिक्योरिटी टॉयलेट्स को मारना, उनको हमने मार दिया। अब ये है जॉइंट वाले सिक्योरिटीज जिनके पास एक खतरनाक वाली लेजर्स भी है। तो गाइस यार इनसे लड़ाई करने के लिए मुझे किसे बुलाना चाहिए? अरे सुमित भैया टीवी मैन को बुलाओ ना। ओके तो गाइस यार इससे लड़ाई करने के लिए मैं बुलाने वाला हूँ कैमरा मैन को। क्या टीवी मैन को
बुलाओ, कैमरामैन ज्यादा ताकतवर नहीं है। किसे बुलाऊं मैं? मुझे बुला लो, मैं भी ताकतवर हूँ। बात कर रहे हो, मैं कैमरामैन भी ताकतवर हूँ। ठीक है कैमरामैन को बुलाते चलो। तो लो गाइस यार, यहाँ पर हमने बुला लिया है कैमरामैन को। और गाइस ये वाला कैमरामैन कुछ ज्यादा ताकतवर नहीं लग रहा है? अरे मेरा वही तो रूप है जो लॉस सैंटोस के अंदर होता है, इसमें अलग क्या है रे। हाँ ठीक है, चल चल इनसे लड़ाई करनी तेरे को। अरे तू थोड़ा साइड हो, जैसे भी लग सकती है तेरे को। ओके तो चलो गाइस यार, यहाँ पर इन दोनों के बीच में और इसके बीच में लड़ाई होने वाली, देखते यार कौन जीतता है। तो गाइस यार यहाँ पर हो चुकी लड़ाई शुरू, बूम बेबी, देखते कौन जीतेगा। ओ माय गॉड, काफी तगड़ी वाली फाइट हो रही है। यहाँ पर एक सिक्योरिटी टॉयलेट गया, बचा दूसरा और वो भी गया भाई। मैंने बोला था ना सुमित, मैं ताकतवर बोलता अपन को, अपन ऐसे छुट्टा मुट्टा नहीं होता। भाई तू भी सेमी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो गाइस यार अभी तक तो मैंने एक भी फाइट नहीं आ रही। अगर मैं गलती से एक फाइट भी हार गया ना, तो मैं टीवी गर्ल को घर पर नहीं ले जा पाऊंगा वापस। अरे सुमित मेरा जाने का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ लोगों को लेके यहाँ से। हाँ ठीक है, बाय बाय। ओके तो गाइस यार जैसा कि तुम लोगों ने देखा, यहाँ पर हमने इनको भी हरा डाला है। पर गाइस यार अभी आगे और भी सिक्योरिटी टॉयलेट्स है, और एक बार जिसको मैंने बुला लिया ना, जिस कैमरामैन टीवी मैन या स्पीकर मैन को मैंने एक बार बुला लिया, उसको मैं वापस नहीं बुला सकता हूँ। मतलब अब की बार मैं जिसे बुलाऊंगा मेरे को सोच समझ के बुलाना होगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। कहीं मैं ऐसे कमजोर को बुला लूं जो उनसे फाइट ना कर पाएगा, तो हम हार सकते हैं। तो चलो गाइस यार अब आगे चलते हैं। ओ माय गॉड, ये वाले तो फ्लैश वाले सिक्योरिटी टॉयलेट्स है यार, इनसे लड़ाई करने के लिए मुझे, क्योंकि यार ये वाले तो आज तक लॉस सैंटोस के अंदर आए भी नहीं है ना, क्योंकि हमेशा इसी दुनिया के अंदर रहते हैं। मुझे इनकी पावर्स का कोई मुझे पता नहीं यार कितने पावरफुल होने वाले हैं। तो गाइस यार मैं किसको बुलाऊं? अरे स्मिथ भाई इस बार टीवी मैन को बुला लो। ओके तो चलो गाइस यार इस बार मैं टीवी मैन को बुलाता हूं इन लोगों से लड़ाई करने के लिए। तो गाइस यहां पर मैंने बुला लिया है टीवी मैन को, और गाइस ये तो कोई दूसरा ही टीवी मैन आ गया। मैं हूँ अल्टीमेट टीवी मैन। तो गाइस यार जो असल में जिनसे फाइट करनी है ना, वो खतरनाक वाले जो फ्लैश वाले सिक्योरिटी टॉयलेट्स, वो नीचे है, इनको ऊपर बुला लेता हूं। ए चिलगुजो ऊपर आ जाओ, फाइट करनी है तो ऊपर ऊपर। ओ गाइस यार ये मेरी बात मान के ऊपर भी आ गए। चलो गाइस यार अब अपने अल्टीमेट टीवी मैन वर्सेस ये तीन छोटे छोटे चिलगुजे, देखते हैं यार क्या होने वाला है। ओ भाई साहब ये तो सेमी बहुत पावरफुल है, कैसे भग भग के मार रहे हैं यार। अरे इसको कुछ हो ही नहीं रहा क्या? कौन जीता है, कौन मरा है, ये लोग मर गए जिंदा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा गाइस। ओ भाई हम लोग जीत गए, पर ये पता नहीं है टीवी मैन, अल्टीमेट टीवी मैन, तुम ये कहां पर आ गए? अरे मैं थोड़ा रास्ता भटक गया था, मैंने उन लोगों को एक बार में मार डाला। गाइस यार अल्टीमेट टीवी मैन तो सेमी बहुत ज्यादा पावरफुल था यार, मेरे को तो ये भी नहीं पता चला कब इसने इन लोगों के ऊपर हमला किया, पर भाई इसने भाई एक ही बार में इन सबको मार डाला यार, खतरनाक ब्रो खतरनाक। शुक्रिया सुमित, चलो अब मैं चलता हूँ इन लोगों को लेके, बाय बाय बाय। तो गाइस यार यहाँ पर इन फ्लैश वाले सिक्योरिटी टॉयलेट्स को हराने के बाद अब तुम्हारा भाई आगे जा रहा है, और ये भाई आगे तो फौजी वाले सिक्योरिटी टॉयलेट्स है, इनको मारने के लिए किसे बुलाऊं? इस बार समित भैया मेरे फेवरेट स्पीकर मैन को बुलाना। ठीक है सिंचन इस बार हम बुलाते स्पीकर मैन को, एक सेकंड रुक जा। अरे समित भैया ये तो टीवी मैन है, अब पर इसके पास स्पीकर भी तो है, देखिए रे स्पीकर। हाँ सुमित भैया चलो हो जाए लड़ाई। ओके मैं थोड़ा उस तरफ चला जाता हूँ भाई, मेरे चोट वोट लग जाएगी फालतू में। चलो तो गाइस यार यहाँ पर अब इनके बीच में होने वाली खतरनाक लड़ाई, चले देखते कौन जीतता है। ओके तो अरे भैया ये क्या, आप तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल वाली चीजें बुला रहे सेमी, ये तो कुछ भी नहीं थे इसके आगे। अरे सुमित वापस बुलाओ उसको। एक सेकंड ये किसकी आवाज है? अरे ये स्पाइडर वाले कैसे आ गए? अब इनसे लड़ने के लिए तो और किसी को बुलाने वाले थे हम लोग। अबे टीवी मैन तो और तो नहीं जाएगा इनसे? सुमित भैया वो नहीं हारेगा बिल्कुल भी इनसे। ओके और भाई सब लड़ाई हो गई, वो लड़ाई हो गई, वो यहाँ पर भाई उन तीनों को भी फ्लश कर दिया। ये भी सही था यार, उन स्पाइडर के तो चटनी बना दी। अरे ये कैसे हुआ टीवी मैन, तुमने उनसे लड़ाई क्यों की? तुमने तो बोला था कि हम एक से लड़ाई कर सकते हैं। वो मुझसे लड़ाई करने आए ना कि मैं उनसे लड़ाई करने आया, पर चलो सुमित अब मैं चलता हूँ, बाय 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 बाय। तो चलो गाइस यार यहाँ पर टीवी मैन ने अपना काम कर दिया, अब हम लोग आके चलते हैं टीवी गर्ल को बचाने के लिए। अबे एक सेकंड ये क्या है यार, इस बार मुझे दो दो सिक्योरिटी क्यों नजर आ रहे, एक यहाँ पर एक पीछे। अरे सुमित भैया लगता है इन दोनों से लड़ाई करनी होगी एक बार के अंदर। गाइस यार ये वाले कुछ ज्यादा ताकतवर है मेरे हिसाब से, मुझे कोई ऐसे टीवी मैन स्पीकर मैन को बुलाना पड़ेगा जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, जो इनको एक बार में हरा सके। सुमित भैया अभी किसको बुलाने वाले हैं? मैं तो नाम भी भूल गया सबके। सिंचन मुझे खुद नहीं पता, मैं जब भी बोल रहा था पाने अपने सारे पावरफुल कार्ड से एक बार में यूज कर लिए, अब यार ये पावरफुल हो गए तो इन्हें कैसे हराएंगे। गाइस यार तुम बताओ हमें किसे बुलाना चाहिए इन लोगों को हराने के लिए, जिससे हम टीवी गर्ल को बचा सके। सुमित भैया कुछ तो करो। गाइस यार मुझे
कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक काम करो यार, तुम चल इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार जल्दी सी। अगर आप लोग भी चाहते हो हम टीवी गर्ल को बचा ले, जिससे मेरे दिमाग में कोई आइडिया है, और कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो सुमित भाई टीवी गर्ल को बचा लो। लिखो यार कुछ भी कमेंट बॉक्स के अंदर, जिससे मैं इन लोगों को हरा सकूं, कुछ तो लिखो भाई। तो गाइस यार, यहां पर इन वाले स्केबिटोरेट से लड़ाई करने के लिए मैंने बुलाया है ट्रैफिक मैन को, और गाइस यार ये अब हमारी हेल्प करेगा इनको मारने के लिए। देखते यार, मुझे नहीं पता ट्रैफिक मैन कितना पावरफुल है, क्योंकि मैंने आज तक इसकी पावर को कभी चेक नहीं किया है। तो गाइस यार यहाँ पर अब लड़ाई होने वाली है, मैं हो जाता हूँ थोड़ा दूर। देखते यार हम लोग क्या कर पाते हैं, क्या ट्रैफिक मैन की इनको हरा पाएगा नहीं हरा पाएगा, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा यार। ट्रैफिक मैन कर दोगे ना? सुमित तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत ताकतवर हूँ। ओके चलो गाइस यार देखते हैं अब। तो गाइस यार यहाँ पर ट्रैफिक मैन वर्सेस ये हो गई। ओ हुआ क्या भाई, कौन जीता? और ट्रैफिक मैन तो सभी बहुत ज्यादा पावरफुल है यार। और ट्रैफिक मैन, ओ मुझे पता नहीं था तू इतना पावरफुल है। मैंने बोला था समित मैं बहुत पावरफुल हूँ। भाई साहब तू भी सेमी बहुत ज्यादा पावरफुल है गाइस यार। मैंने फालतू में इस बंदे को अंडर एस्टिमेट किया, ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल, इसने कैसे हवा में जंप मार के सबको एक बार में फोड़ डाला। ओके चलो तुम सारे कबाड़े को लेके जाओ, मैं चलता हूँ आगे टीवी गर्ल को बचाने के लिए। तो गाइस हम लोग आज के अपनी आखिरी पड़ाव के पास, और वो है इन बड़े वाले खतरनाक स्केबिटोरेट्स को हराना। और गाइस यार मुझे पता है इनके खिलाफ मुझे किसे यूज करना है। सुमित भैया किसे यूज करना है? गाइस यार इनके खिलाफ मैं यूज करने वाला हूँ अपने हुक्म के इक्के को, जो लॉस सैंटोस में और यहाँ भी सबसे पावरफुल करेक्टर है टीवी मैन का। सुमित भैया कौन है वो? अभी बुलाता हूँ सिंचन उसे। मैं बुलाने वाला हूँ अपग्रेडेड टाइटन कैमरामैन को। बूम, ये आ गया भाई। सिंचन देख रहे? अबे भाई नीचे आ जा, यहाँ होगी लड़ाई, यहाँ पर नीचे आ जा। तो गाइस ये है अपग्रेडेड कैमरामैन, और देखते हैं यार ये क्या कर पाता है इन लोगों के साथ। चले सिंचन। हाँ सुमित भैया स्टार्ट करो। ओके ओ माय गॉड, ओ हो क्या होने वाला है यहाँ पर, कौन जीतने वाला है भाई? भूकंप आ रहा है बहुत तेज। सुमित भैया कौन जीतेगा? पता नहीं सिंचन कौन जीतेगा, पर भूकंप आ रहा है यहाँ पर, देखते कौन जीतने वाला है। और गाइस ये क्या, बूम बेबी, क्या हम लोग हार गए क्या? नहीं सुमित भैया मुझे नहीं लगता हम लोग ऐसे हार सकते हैं। अरे सुमित भैया देखो वो आ गया हमारे हीरो। अबे मेरे को लगा कि ये मर गया, पर ये मरा नहीं था यार सिंचन। ओए ओए ओ माय गॉड, असल में ये गायब हो गया था, कुछ खतरनाक हो रहा है, भूकंप आ रहा है, ऊपर जाके देखते हैं चल। फिर आ गया हमारा हीरो, पर गाइस यार ये गायब होके कैसे मार रहा है ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। पर गाइस यार कुछ भी हो, लो इसका भी काम खत्म, बस ये बचे हैं। क्या चल रहा है भाई ये सब, ये क्या चीज है, कुछ भी हो भाई, पर फाइनली हमारा अपग्रेडेड टीवी मैन जीत चुका है। ओ ये थैंक यू ब्रो, थैंक यू, यू आर सो गुड मैन। ओके चलो गाइस ये जा रहे हैं यहाँ से, हम लोग चलते हैं हमारा काम करने के लिए, हमें बचाने टीवी गर्ल को। आया टीवी गर्ल, चलो 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 जल्दी चलते यार, जल्दी चलते यार। ये तो यार सही जब भी चलता भूकंप तो इतनी तेज आता है। ओके तो गाइस यार देख रहे हो वो रही टीवी गर्ल, टीवी गर्ल को यहाँ से निकालते हैं। आ गया मैं, आ गया टीवी गर्ल तुझे बचाने के लिए। चलो गाइस यार सबसे पहले इन रस्सियों को तोड़ता हूँ। ये ले। तो गाइस यार हमने टीवी गर्ल को बचा लिया है। शुक्रिया तुम्हारा मुझे बचाने के लिए, इन लोगों ने मुझे इसमें बंदी बना के धर लिया था। तुम टेंशन मत लो, मैं आ चुका हूँ तुम्हें बचाने के लिए। समित भैया फाइनली हम लोग जीत गए, हमने टीवी गर्ल को बचा लिया। हाँ सिंचन हमने टीवी गर्ल को बचा लिया, चलो टीवी गर्ल अब घर चलते हैं। चलो आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ, चलो गाइस यार घर चलते हैं अब जल्दी सी। बस 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 तालियां मत बजाओ। अरे मेरे को लगा मेरे लिए सब तालियां बजा रहे होंगे। अबे कोई तो मेरी तारीफ करो, मैं फाइनली टीवी गर्ल को बचा के लिए आया। अरे टीवी गर्ल मेरे साथ चाय पे चलोगी, नमकीन भी खिलाऊंगा, और हाँ पतासे भी खिला दूंगा कहोगी तो। चलो मेरे साथ, मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हूँ, मेरा नाम सिंचन नोहारा। टीवी मैन के साथ क्या करोगी, वो तो ऐसे पागल सा है, फिर से तुम्हें किडनैप करवा देगा। ओ सिंचन, सिंचन के साथ रहना चाहती हूँ मैं। ओ मेरा पत्ता क्यों काट रहा है सिंचन तू? अरे चुप कर यार, ये आज से मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरे साथ रहेगी। अरे भाई साहब यहाँ तो कुछ अलग ही लफड़ा चल रहा है। कुछ भी हो यार, हमने तो टीवी गर्ल को बचा लिया, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लेके, कोई किसी के साथ रहे या ना रहे। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार भूले बैठ के आए तो आज से सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलेंगे उसको नए गेम प्ले में। जब तक के लिए सायोनारा। और कितने बेशरम है, मैंने इनकी हेल्प करी और मेरा धन्यवाद भी नहीं करते यार, ये लोग बड़े बेशरम है। We're just getting started, I know that you want it, baby just get on it.